अच्छा वैसे फाइट है उधर, एक मिनट पंकज, एक मिनट पंकज, विजुअल बन जाए फिर आराम से, अभी लगाए थे पहले विजुअल बना लो। जाइए 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 जाइए, नहीं नहीं आप नहीं जाइए, क्या है ये करें हमारे सीनियर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के आज से पांचवें चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू कर दी गई है। अगर हम पांचवें चरण की बात करें तो 60 सीटों पर चुनाव होना है और 27 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम शहर प्रयागराज के कलेक्ट्रेट के सामने, आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और इसी गेट से ही प्रत्याशी जो हैं जो नामांकन पत्र लेने के लिए यहाँ पर आए हैं वो इसी गेट से अंदर जाएंगे। एक प्रत्याशी के साथ दो प्रस्तावक अंदर जा रहे हैं और अपना नामांकन जो पत्र है वो लेकर के दूसरे गेट से वो वापस निकल रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 46 लाख जो वोटर हैं वो प्रयागराज में हैं। 12 विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं जिसमें से 3 शहरी सीटें हैं जबकि 9 जो सीट हैं वो ग्रामीण में आती है। ऐसे में अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ से नंद गोपाल गुप्ता नंदी भाजपा में जो मंत्री रहे हैं उनको यहाँ से टिकट मिला है। सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट यहाँ से मिला है। संदीप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है। तो तकरीबन जो टिकट की जो प्रत्याशी हैं वो एक तरीके से अभी बाकी भी है, कुछ के नाम अभी आने बाकी हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर नामांकन पत्र लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर हम नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो 8 फरवरी तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 9 तारीख को जांच होगी पत्रों की, 11 तारीख को नाम वापसी का दिन रहेगा और 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे यानी कि मतगणना का दिन रहेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि संगम शहर प्रयागराज समेत कई ज़िलों में आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रंग दुबादिया के साथ सैयद आखिरदा, पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।